आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भंजी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। वैशाली जिले के हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH22 स्थित तेलिया सराय में खड़े ट्रक में हाइवा ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे हाइवा का चालक घायल। स्थानीय लोगों ने घायल चालक को सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचाया। मौके पर सराय पुलिस पहुंची, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम की। जानकारी के अनुसार हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH22 स्थित तेलिया सराय गांव स्थित लाल कोठी ढाबा के समीप पश्चिम लेन में खड़े ट्रक में हाजीपुर की ओर से आ रहे हाइवा के चालक ने अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से जोरदार आवाज सुन मौके पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर स्थानीय लोगों ने पहुंचकर हाइवा के केबल में फंसे घायल चालक सराय थाना क्षेत्र के तेलिया सराय गाँव निवासी नागदेव राय के पुत्र 30 वर्षीय राजीव कुमार बताया गया। उसको बाहर निकाल आनन फानन में सदर अस्पताल हाजीपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित लोग सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रभारी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों को समझाने पर सड़क पर से हटने को राजी नहीं देख सराय पुलिस घटना की सूचना SDPO राघव दयाल, SDO हाजीपुर संजीव शेखर प्रियदर्शी सहित अंचलाधिकारी भगवानपुर सहित कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर 4 लाख मुआवजे की मांग पर टिके रखे। पदाधिकारी ने आक्रोशित लोगों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया और आश्वासन देने के करीब 2 घंटे बाद परिजनों के सहयोग से सड़क पर से शव पुलिस ने लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं थाना क्षेत्र के सराय हरौली मार्ग में मंसूरपुर गांव के समीप टेम्पो पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल। हाजीपुर से विक्रम प्रबोधी की रिपोर्ट।